सो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कैरेमल पुडिंग, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी और स्मूदी टेक्सचर का बना है। तो आज कुछ इसी तरीके की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है विकफील्ड का कैरेमल पुडिंग। आप लोग चाहें तो किसी और भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे यहाँ पे अनपैक कर रही हूँ। तो अनपैक करने मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि ये अंदर से सारा स्टिक हुआ हुआ था, तो मुझे टाइम लग रहा था निकालने में। कोई नहीं, बट इसे अच्छे तरीके से अनपैक कर लिया है मैंने। मैं काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी, तो मैंने बहुत टाइम बाद आज वीडियो डाला है। आई थिंक 2-3 हफ्ते बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आप लोग के साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अनपैक कर लिया है। अब इसे मैंने कट करके देखा तो मुझे इसमें दो चीज़ मिला। एक तो इसमें था कैरेमल पुडिंग का पाउडर था, और दूसरा के इसमें था कैरेमलाइज्ड शुगर, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। मतलब घर पर अब कैरेमलाइज्ड करो बहुत टाइम लग जाता था, और घर वाला कैरेमलाइज किया हुआ तुरंत बहुत हार्ड हो जाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तो देखिए, मैंने 3 बाउल ले लिया है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा नहीं बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इतने से पाउडर में 1-2 लीटर दूध डाल लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत ही परफेक्ट बन जाए, तो नहीं। हमें क्या करना है, बहुत ही नॉर्मल से वे में बनाना है, बहुत ही कम बनाना है। इसमें आप लोग हार्डली 1/2 लीटर ऐड करें। इसके बॉक्स में तो 1 लीटर लिखा हुआ था, बट मैंने ऐड किया है 1/2 लीटर, क्योंकि जितना कम आप बनाएंगे वो उतना ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1/2 लीटर मिल्क बनाया है, और 3 ही बाउल मुझे कैरेमल पुडिंग बना इस एक पैक से। ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट उसके टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 3 बाउल में कैरेमलाइज शुगर डाल लिया है। अब हमें इसे साइड कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1/2 लीटर मिल्क ले लिया है, और इसे बस ज़्यादा नहीं थोड़ी देर बॉयल करना है। ये वाला जो अंदर पाउडर था, अब हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। तो पहले हम लोग इसे अच्छे लेवल पे बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बॉईल हो चुका है, तो अब ये पाउडर इसमें डाल देंगे और जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसे ज़्यादा देर को नहीं पकाना है, हार्डली 2 से 2.5 मिनट या हार्डली 4 मिनट पकाना, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से इसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे ये कस्टर्ड की तरह थिकी टेक्सचर आएगा इसका जैसे डालेंगे वैसे, नहीं, ये वैसा नहीं होगा। ये नॉर्मल एकदम एज अ वाटर की तरह रहेगा। तो आप लोग उसे उसी वक्त निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा थिक टेक्सचर का वेट करना ही नहीं, क्योंकि इसका टेक्सचर थिक होगा ही नहीं जब तक आप इसे फ्रीज नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने जो बाउल लिया था उसमें इसे ऐड करेंगे। इसे पहले पूरी तरीके से फैला लेंगे ताकि लुक अच्छा आए। तो यहाँ पे जो ये है, ये अभी काफ़ी हार्ड है, इसमें इस तरीके से ना डालें। बीच में आप लोग स्पून का यूज़ करें, ताकि एक जगह पे मिल्क जो है वो ये नहीं हो और कैरमलाइज शुगर में स्पेस नहीं हो। आप इस स्पून को इस तरीके से रख के डालेंगे तो ये उसमें होल नहीं करेगा, नॉर्मली तरीके से सब जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है अच्छी तरीके से। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इसे हमें क्या करना है कि इसे ज़्यादा नहीं, 1/2 आवर के लिए नहीं, 1 आवर के लिए हमें फ्रीज़ कर लेना। 1/2 आवर में भी हो जाएगा, बट हमें 1 आवर के लिए इसे फ्रीज़ करने के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा भी फ्रीज़ नहीं करना है। अगर आप इसे बहुत फ्रीज़ करोगे तो बर्फीला जैसा बर्फ़ हो जाएगा, जम जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। इसे नॉर्मली हमें 1 आवर के लिए फ्रीज़ कर लेना। उसके बाद इसका काफ़ी वेल टेक्सचर आता है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं इसे फ्रीज़ करने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद जल्दी से किचन की सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मा डांटेंगी कि इतना गंदा कर दिया किचन को। यहाँ पे देखिए, 1/2 आवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट आया है। इसे हम लोग अब डीमोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, डीमोल्ड करने के बाद इसका आप लोग लुक देख सकते हैं, और इसका टेस्ट का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये मुझे एक पैक जो है ओनली 50 रुपीज़ में पड़ा था। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।